हेलो एंड व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं KGF 3 को लेके कि क्या KGF 3 आएगी या नहीं आएगी। और अगर अब तक आपने KGF 3 थिएटर्स में नहीं देखी और आप प्लान कर रहे हैं थिएटर्स में जाने का, तो इसे वॉच लेटर में डाल दीजिए इस वीडियो को, और बाद में देखना थिएटर से आने के बाद, क्योंकि इस वीडियो में भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। अगर अब तक आपने नहीं देखी तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अभी के अभी वॉच लेटर में डाल दो। और हाँ, वॉच लेटर में डालने से पहले लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप पिक्चर एंड हो गई उसके बाद निकल गए तो आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, क्योंकि उधर एक पोस्ट क्रेडिट सीन था, उसमें एक सीन था जिसमें KGF 3 का अनाउंसमेंट होता है। तो अगर आप निकल गए हो तो टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना आपका भाई, आपको वो सीन बताएगा, इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देगा। इसलिए बोलता हूँ भाई, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अभी के अभी करो, अभी करो। और अब हम चलते हैं छोटे से इंट्रो की तरफ। देखो, अगर KGF 2 आप तो देख लिया होगा तो उसके अंदर तो भाई रॉकी भाई मर चुके हैं, और अब क्या होगा भाई, KGF 3 का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं भाई, KGF 3 में अधीरा को मारने के बाद रॉकी जो 2-3 साल राज किया था, जिसमें उसने अपना बिजनेस को एक्सपेंड किया था, इंटरनेशनल लेके गए थे, वो दिखाने वाले हैं। ये होगी पहला पॉइंट हमारा स्टोरी। अब आप बोलोगे कि भाई स्टोरी में इतना कुछ खास होगा नहीं, क्योंकि भाई वो अब अलग अलग कंट्रीज में जाएगा, विलन्स को फाइट करेगा, ये तो हम देख चुके हैं। बट मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये साले हम्बल प्रोडक्शन वाले कुछ खतरनाक ही लोचा लगाते हैं कि हर एक पिक्चर को एक अलग स्टाइल से बताते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ पॉइंट तो उनके पास ज़रूर होगा इस पिक्चर को हिट कराने के लिए। और एक्शन भाई, हम लोग KGF को देखते क्यों है, एक्शन के लिए। तो हो सकता है भाई उसके अंदर भी खतरनाक विलन हो, ये हमारा भी एक और पॉइंट है, वो मैं लास्ट में बताऊँगा कि इस पिक्चर में विलन्स कौन होने वाले हैं। बात कर लेते भाई पॉइंट नंबर 2 की, तो वो होने वाला है क्या KGF 3 आएगी, और अगर आएगी तो फिर उसका विलन कौन होने वाला है। मैं आपको बता दूं भाई, KGF 3 आने वाली है, क्योंकि भाई ये आप एक छोटा सा वीडियो मैं पहले प्ले कर देता हूं, वो आप देखो। ये तुम्हारे लिए था, जो हॉल से पहले ही उठ के आ जाओ। और उठो चलो, तुम्हें पहले पिक्चर देख लेनी चाहिए पूरी खत्म होने तक, पैसा दिया है ना, तो भाई पूरा एंड तक जाओ। अगर जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि भाई उसमें KGF 3 का साफ साफ अनाउंसमेंट था, लेकिन भाई उसके मेकर्स ने तो बोला था कि भाई हम KGF 3 नहीं बनाने वाले, तो अचानक से ये क्या हुआ? क्योंकि भाई KGF 3 बहुत बड़ा एक फ्रेंचाइजी बन चुका है, और पैसा कमाना कौन नहीं चाहता है, तो भाई KGF को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? पैसा कमाना हर एक जन चाहता है, तो भाई वो KGF की स्टोरी को चालू रखेंगे। लेकिन भाई अब KGF 3 जो आने वाली है, उसका विलन कौन होगा वो मैं बताता हूँ, सबर रखो, सबर रखो। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 यहीं पे आ जाता है कि KGF 3 का विलन कौन होने वाला है। मैं बता दूँ भाई, KGF 3 के विलन पुलिस, मतलब जो गवर्नमेंट है, वो होने वाली है। क्योंकि भाई KGF 2 में अगर आपने एंडिंग तक पिक्चर देखी हो तो आपको पता होगा, रॉकी भाई का पीछा बहुत इंटरनेशनल पुलिस भी कर रही थी, इंडियन पुलिस भी कर रही थी। क्योंकि भाई इंडिया में उसने गैर कानूनी तरीके से सोना रखा, तो भाई बाहर जाके तो वो कानून को मानता ही नहीं है, तो कैसे रख लेगा? इसलिए भाई उधर भी गैर कानूनी तरीके से उसने सोना को निकाला है, बेचा है, तो भाई बाहर की पुलिस की नज़रों में भी वो आ गया है। अब ये पुलिस जो होगी, जो इंटरनेशनल पुलिस होगी, वो होने वाली है हमारे KGF 3 की विलन्स। मतलब लाइक वो विलन है या हीरो है, ये मेरे को अब तक पता नहीं चला, क्योंकि भाई विलन तो ऑलवेज रॉकी भाई है ही है। अब मेन उसके अंदर और कौन हमें दिखने वाला है, ठीक है, ये है हमारा पॉइंट नंबर 4 कि उसके अंदर कौन कौन होने वाला है। क्योंकि भाई रॉकी भाई की वाइफ तो मर चुकी है KGF 2 में, अधीरा मर चुका है, फिर उसके पार्टनर्स भी मर चुके हैं, उसके बाद बचा कौन? तो मैं आपको बता दूं भाई, बचने वाले बहुत लोग हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी भी रमिका सेन जिंदा है, अभी भी रमिका सेन KGF के उस मोस्ट वांटेड रॉकी भाई को ढूंढ रही है, तो वो हो सकती है भाई इस पिक्चर में KGF 3 में, ये तो कंफर्म है। बट अधीरा तो मर चुका है, तो संजय दत्त का रोल निकाल दो यार, बेचारे को रखना चाहिए था संजय दत्त को। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो 2-3 साल के बीच में उसका किसी से प्यार हो गया हो, और वो हीरोइन, मतलब नई हीरोइन को वो इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। या फिर मेरे को लगता है कि भाई KGF 3, जैसे अभी KGF 2 का क्रेज चला, KGF 3 का क्रेज चलने के बाद पता चलेगा कि भाई उस 2-3 साल में उसका लड़का भी हो गया, और KGF 4 में वो आ गया, मतलब बड़ा पैसा कम
आपको क्या लगता है मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं अनुराग व्यास मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय टाटा सी यू। सब्सक्राइब करते हुए जाना।